गुड आफ्टरनून जो हमारा मीडिया फ्रेंड्स है। एक्चुअली आज हम लोग यहाँ पे ये जो मिनोती बोरन का केस है इसको हम लोग उसको अपडेट लेने के लिए आया था। आज उसका जो यहाँ पे हाई कोर्ट में हियरिंग था, ये जो लास्ट टाइम सेशन कोर्ट में जो हुआ था वहाँ पे तो उसका बेल पिटिशन रिजेक्ट कर दिया था एंड देन, लेकिन आज वो लोग सेम उसी बेल पिटिशन के लिए यहाँ पे वो लोग अप्लाई किया हुआ था। तो उसी को लेके हम लोग जितना भी एस्पिरेंट्स है फ्रॉम डिफरेंट लाइक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हम लोग सब आया हुआ था कि वी वॉन्टेड टू नो एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो उसी को लेके वी हैव कम हियर एंड हम लोग को ये पता चला है कि जो इसका जो नेक्स्ट हियरिंग है दैट इज शेड्यूल फॉर 21st ऑफ नवम्बर। तो हम लोग को फिलहाल वो अपडेट मिला है एंड देन हम लोग वही वो चीज़ को देखने के लिए भी आया था। और प्लस यहाँ पे जितना भी हमारा जो ये लीगल फ्रेटर्निटीज लोग को भी है, हम लोग कल भी एक ये प्रेस मीडिया में देखा था हमारा लीगल का तरफ से, जो लीगल फ्रेटर्निटी का तरफ से कि हम लोग को प्रोटेस्ट नहीं करना है, ये नहीं करना है, आई मीन कुछ कुछ बात बोला है। तो हम लोग वो लोग को यही अपील करना था कि देखो ये जो अभी जो जो प्रेजेंट जो एग्जिस्टिंग जो इशू चल रहा है, जो ऑन गोइंग इशू जो चल रहा है, दिस इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू वन पर्सन और वन फैमिली, दिस स्प्रेड टू ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड। ये एवरी हाउस होल्ड का कहानी है और यहाँ में हर कोई इन्वॉल्व है। यहाँ पे आप चाहे आप मीडिया से हो, चाहे आप लीगल फ्रेटर्निटी से हो, चाहे आप यू नो डिफरेंट ग्रुप से हो, CBO से हो, इट्स नॉट जस्ट अस, नॉट जस्ट द एस्पिरेंट्स। यहाँ पे हर यू नो हर एवरी वॉक ऑफ लाइफ इज इन्वॉल्व है। तो हम लोग ये हमारा जो लीगल फ्रेटर्निटी है, लास्ट टाइम जैसे हमारा ब्रदर ग्यामर पादंग भी लास्ट टाइम हार्टफेल अपील किया था कि काइंडली ये आप अपना जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप एक ये एक गौर दे के एक उसको आप उसको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप काइंडली उसको आप इंश्योर कीजिए, उसको आप कंप्लाई कीजिए। क्योंकि ऑब्वियसली जो बेल पिटिशन जो भी करता है, जो भी यू नो इवन द टेररिस्ट दे हैव द राइट टू यू नो राइट टू काउंसिल, वो लोग को भी अपना लीगल राइट है प्रेजेंट करने का। लेकिन यहाँ पे ऐसा है, हम लोग का बोलना है कि नो डाउट देर आर लीगल प्रोविजंस बट एट द सेम टाइम देर इज अनदर डोमेन जहाँ पे अपना मॉरलिटी है, हम मॉरल कॉम्पस को भी हमको देखना जरूरी है। तो हमारा जो लीगल फ्रेटर्निटी है, हमारे स्पेशली अरुणाचल का जो जितना भी लीगल फ्रेटर्निटीज है, हम लोग यू नो वी रियली वॉन्ट टू यू नो हम्बली वी वॉन्ट टू रिक्वेस्ट देम, हम लोग अपील करना चाहेंगे कि यहाँ पे जितना भी केस चल रहा है, बिकॉज दिस इज अ वेरी हाईली सेंसिटिव केस, तो इसमें हम लोग का अरुणाचल का फ्यूचर को भी ये केस डिसाइड करने जा रहा है। तो इसको लेके वी रियली फील दैट वी एज एस्पिरेंट्स एंड नॉट जस्ट अस, यहाँ में हर अरुणाचली का आप लोग से यही अपील रहेगा कि काइंडली आप यहाँ पे वो लोग का इशू को आप लोग रिप्रेजेंट मत कीजिए, काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम देम, सो दैट यू नो एटलीस्ट आपका जो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको आप वहाँ पे यू नो करा उतरे, तब जाके यू नो कल को आपका अपना बच्चा भी ये एग्जाम लिखने जा रहा है, बिकॉज यू हैव अ मॉरल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन ऑल्सो टुवर्ड्स योर यू नो यंगर जनरेशन। तो इसलिए हम लोग यही अपील करेंगे कि काइंडली जो अभी ऑन गोइंग जो फियास्को चल रहा है इसमें लीगली आप रिप्रेजेंट नहीं करने से अच्छा है, देन यू नो वी कैन एंश्योर सम, बिकॉज दिस फाइट वी हैव टू फाइट कलेक्टिवली, इसमें सबका कॉन्ट्रीब्यूशन का जरूरत है। यहाँ पे हम जैसे एस्पिरेंट्स तो है, पेरेंट्स है एंड देन एवरी वॉक ऑफ लाइफ वी हैव टू बी इक्वली पार्ट ऑफ दिस। तो जैसे आप काफी कुछ कह दिया है, तो आगे जो हमने एडवोकेट जो सर से इंटरव्यू किया तो उनका कहना था, अभी जैसे आप बोल रहे हैं तो उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसे उनको जो विक्टिम को रिप्रेजेंट नहीं किया गया तो जो केस है वो वैसे भी स्लो पड़ जाएगा, अगर कोई अगर रिप्रेजेंट नहीं किया तो सेम ही बात है कि केस फिर से स्लो फेस में चला जाएगा अगर कोई उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। और इसके साथ ही साथ एडवोकेट का ये भी कहना था कि इस तरह से कोर्ट का बाहर में आके शोर मचाना, इस तरह जो आवाज़ें करना, तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जुडिशियल सिस्टम, तो उनका भी एक फंक्शनिंग जो सिस्टम है, जो उसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस है वो थोड़ा अलग ही अपना आप में है, उनका कहना था। तो उस पर आपका क्या कहना होगा, 21 को अगर जब वापस से हियरिंग होगा तो किस तरह का जो प्रोसीजिंग करेंगे? यहाँ पे ऐसा है, डेफिनेटली ये जो लीगल जो लीगल एक्सपर्ट्स है, जो हमारा जो लीगल राइट्स है, तो ऑब्वियसली थोड़ा पहले जैसे बोला कि एवरी यू नो यहाँ पे इवन एवरी कल्प्रिट दे हैव द राइट टू काउंसिल, वो लोग को भी अपना लीगल प्रोविजन उसको यू नो उसको यूज करने का राइट है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये हार्ट फेल्ट हमारा अपील तो यही है कि आप यहाँ पे यू नो लाइक आप जो एक एस एन अरुणाचली
जो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको एटलीस्ट यू नो, यहाँ पे स्लो होता है, फास्ट होता है, देयर इज द अदर एस्पेक्ट, लेकिन आप अपना जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप करके दिखाइए। क्योंकि यहाँ पे देखो अरुणाचल, यहाँ में जो लीगल एक्सपर्ट्स है, सिर्फ अरुणाचल में नहीं है, देयर आर लीगल एक्सपर्ट्स आउटसाइड अरुणाचल ऑल्सो। तो व्हाट वी वांट टू से इज दैट हम हमारा जो एस अरुणाचली, बिकॉज ये जो इशू है दिस इज अ पैन अरुणाचल इशू, तो वी एस यू नो लाइक द लीगल एक्सपर्ट्स ऑफ दिस अरुणाचल, जो एक हमारा जो यहाँ का दो मिसाइल सिटीजन है, उसका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको काइंडली आप उसको ये कंप्लाई कीजिए। एंड देन आप जैसे बोला कि हमारा प्रोटेस्ट धरना जो भी कर रहा है, सी ये हम किसी को ये करके नीचा देखा कि या फिर किसी को हम वो अब्यूज करने के लिए आया नहीं है, वी आर ओनली हियर टू प्लेस आर ओन ग्रीवेंस। क्योंकि ये हर ये हम जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी धरना कर रहा है, ये दर्द है, यू नो, ये फ्रस्ट्रेशन है। एंड जो ये फ्रस्ट्रेशन, जो ये दर्द है, ये एक यू नो पीक लेवल तक पहुंच चुका है, एक सेचुरेशन लेवल तक पहुंच गया है। एंड यहाँ पे स्टूडेंट का भी यू नो लाइक एंगर जो आउटबर्स्ट हो रहा है, ये समझने वाला बात है, ये बिल्कुल जहेज है, आप इसमें इसको कंडेम भी नहीं कर सकता है। चलो समटाइम्स ओवरबोर्ड चला जाता है, तो ऑब्वियसली उसका भी इवन वी फील कि समटाइम्स ऐसा हो जाता है, विच आई फील वी शुड नॉट डू दैट ना। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे जो हमारा जो एक फंडामेंटल जो राइट है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, पीसफुल धरना करने का, जो हमारा ग्रीवेंस है, जो हमारा जो डिमांड है, जो हमारा फ्रस्ट्रेशन है, जो हमारा पेन है, उसको तो हम अपना यू नो अपना जो अपना हिसाब से पीसफुली हमको भी प्रेजेंट करने का अपना राइट है, तो वही है। थैंक यू सर। ओके।